गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज द क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड दिस इज चैप्टर 2 ऑफ जियोग्राफी एंड द टॉपिक इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड दिस इज द लेक्चर 6. स्टूडेंट, फर्स्टली वी विल रिकॉल 6 मेजर फिजिकल डिविजन इन इंडिया एंड द फर्स्ट इज द हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, द कोस्टल प्लेन, पेनिनसुला प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट एंड द आइलैंड्स. And we have already discussed about the formations of Himalaya. And Himalaya have 3 ranges, such as Himadri, Himachal and Shivalik. And Northern Plain also divided into 3 parts, Punjab Plains, Ganga Plains and Brahmaputra Plains. And the student, Thar Desert is the largest desert in India. And Peninsula Plateau also divided into 2 parts, Central Highland and Deccan Plateau. And Deccan Plateau also divided into 2 parts, Western Ghat and Eastern Ghat. And the student, Coastal Plain, total coastal line area is 7,516.6 kilometer. And next is the island. So student, let's start our lecture and today we will discuss about the island. And it is the 6th major feature of physical division, the island. Island means a piece of land surrounded by water is called the island. And you know, in India we have 2 islands, Andaman Nicobar Island and Lakshadweep. And second, significance of physical feature means the importance of physical features, because physical features such as mountain, northern plain provided us many things such as minerals, forest, and water and fertile soil, etc. And student, last we solve some question. That question I have assigned in previous lecture. So student, let's start. And firstly, you see the map of India. Student, this is the map of India, and you know total mainland area means total land boundary is covered by north to south and east to west, is means Jammu Kashmir to Kanyakumari and Arunachal Pradesh to Gujarat. Is total area is 15,200 kilometer, but the total area included also, it also included Lakshadweep Island and Andaman and Nicobar Islands. टोटल अगर हम एरिया लेते हैं तो उसमें हम मेन लैंड के साथ हम क्या लेते हैं, आइलैंड्स भी लेते हैं. और हमारी कंट्री में 2 आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ओके, लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में है और आपका जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो बे ऑफ बंगाल में है. और इंडिया इज ऑल्सो ए पेनिनसुला कंट्री बिकॉज वेस्ट कवर्ड बाय अरेबियन सी एंड ईस्ट कवर्ड बाय बे ऑफ बंगाल एंड सदर्न पार्ट इज इंडियन ओशन. ओके, तो इंडिया इज ए पेनिनसुलर कंट्री. तो आज हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार. आप देखिए, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं यहाँ पे, जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ये लक्षद्वीप आइलैंड है. 36-37 आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना हुआ है लक्षद्वीप आइलैंड्स है. और यहाँ देखिए अंडमान निकोबार में, यहाँ पे एक ये लाइन्स में है और ये काफ़ी दूर तक क्या हुए हैं, फैले हुए हैं. और आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि जिसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, यानी इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार का सदर्न पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, जो क्या है, सुनामी में क्या हो गया था, मर्ज हो गया था सुनामी की वजह से. ये जो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट था उसके अंदर क्या हो गया था, मर्ज हो गया था. अंडमान निकोबार के भी 2 पार्ट्स हैं, नॉर्दर्न पार्ट को अंडमान कहा जाता है और सदर्न पार्ट को निकोबार कहा जाता है. और यहाँ बहुत सारे क्या हैं, आइलैंड्स हैं, जो क्या हैं, छोटे छोटे काफ़ी दूर तक क्या हुए, फैले हुए हैं. तो आज हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. एंड द आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी, यू नो लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. लक्षद्वीप आइलैंड आपके अरेबियन सी में है और वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड अंडमान निकोबार आपके बे ऑफ बंगाल में है और ये आपके ईस्ट साइड में है. ओके, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आल्सो यूनियन टेरिटरीज आल्सो. और लक्षद्वीप आइलैंड्स की जो कैपिटल है वो है कावर्ती, एंड अंडमान निकोबार की जो कैपिटल वो है पोर्ट ब्लेयर. एंड सो स्टूडेंट, फर्स्ट लक्षद्वीप आइलैंड.
लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला. स्टूडेंट, लक्षद्वीप इज लोकेटेड 300 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला इन द अरेबियन सी. केरला कोस्ट मीन्स मालाबार कोस्ट. लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो क्या है, मालाबार कोस्ट से 300 किलोमीटर ही दूर क्या है, सिचुएटेड है. आपने पढ़ा था कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. मुंबई टू गोवा जो पार्ट था उसको हम कौन कौन पार्ट कहते हैं, यानी कि नॉर्दर्न जो पार्ट था वो मुंबई टू गोवा इज कॉल्ड कोंकण. एंड कर्नाटक वाला जो पार्ट उसको बोलते हैं कन्नड़ सेंटर पर. एंड द नॉर्दर्न एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट एंड इट इज सिचुएटेड इन केरला. तो लक्षद्वीप आइलैंड है वो मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के क्या है, बिल्कुल नज़दीक है. एंड दे आर कंपोज स्मॉल कोरल आइलैंड्स. और जो आइलैंड्स बने हैं ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से मिलकर क्या है बने हुए हैं, उनके स्केल्टन से, उनकी वजह से ही क्या है आइलैंड्स बने हुए हैं. जो क्या है वाटर में होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं. ये मोस्टली ये क्या रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं यानी कि इकट्ठे ग्रुप में रहते हैं. और उनके द्वारा बनाए गए आइलैंड्स को हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स. एंड इट्स कवर्स ए स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर. मीन्स टोटल एरिया ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड इज 32 स्क्वायर किलोमीटर. एंड द लक्षद्वीप इज द टीनियस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ एरिया. और यूनियन टेरिटरीज में सबसे कम जो एरिया है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स का है. नेक्स्ट, देवर नोन एज लक्षद्वीप मिनिको एंड अमेंदीप बिफोर 1973. मीन लक्षद्वीप आइलैंड का जो नाम था पहले वो था लक्षद्वीप मिनिको एंड अमेंदीप. 1973 से पहले इनको इस नाम से क्या वहाँ जाना जाता था, लेकिन 1973 में लक्षद्वीप आइलैंड का नाम रखा गया. एंड द कावरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. लक्षद्वीप की जो कैपिटल आपको बताया कावरती, और यही एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर है यानी कि जो ऑफिशियल जो वर्क होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं, कावरती. तो लक्षद्वीप के जो मेन हेडक्वार्टर या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वो सारे कहाँ सिचुएटेड हैं, कावरती. और लक्षद्वीप की जो कैपिटल वो भी है कावरती. एंड लक्षद्वीप आइलैंड आर ए ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स. एंड द पीटी आइलैंड सिचुएटेड इन लक्षद्वीप. एंड पीटी आइलैंड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी. लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उसमें क्या 36 छोटे छोटे आइलैंड से बन के बना हुआ लक्षद्वीप आइलैंड. और वहाँ उन्हीं आइलैंड्स में एक पीटी आइलैंड है जहाँ पे क्या एक बर्ड सेंचुरी है. और लक्षद्वीप आइलैंड के जो पहले नाम रखे लक्षद्वीप मिनिकोन अमनदीप थे 1973 से, लेकिन 1973 के बाद इसको लक्षद्वीप के नाम से ही क्या है जाना जाता है. वो कावरती इसकी क्या है कैपिटल है. और टोटल जो एरिया है वो है 32 किलोमीटर. मेन 32 किलोमीटर में क्या लक्षद्वीप आइलैंड फैला हुआ है. और ये बिल्कुल क्या है मालाबार कोस्ट के बिल्कुल क्या है नियर अबाउट है. तो ये तो लक्षद्वीप आइलैंड. और लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो क्या है, इट इज़ द टीनियस्ट यूनियन टेरिटरी. लक्षद्वीप हमारा यूनियन टेरिटरी भी है. और सबसे कम एरिया किसका है, लक्षद्वीप का. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, यू सी द मैप ऑफ इंडिया एंड यू नो ये जो लक्षद्वीप आइलैंड बेटा यहाँ पे केवल क्या है बहुत ही कम आइलैंड्स हैं. और बहुत कम आइलैंड्स हैं. और देखिए मालाबार कोस्ट के बिल्कुल क्या है ये बिल्कुल ही क्या करता है नज़दीक है, यानी केरल के वाले पार्ट के बिल्कुल क्या होता है नज़दीक है लक्षद्वीप आइलैंड. और इस सिचुएटेड इन अरेबियन सी में. तो ये वेस्ट पार्ट जो कवर किया जाता है वो लक्षद्वीप आइलैंड से. अब हम करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बेटा यहाँ पे बहुत सारे क्या है आइलैंड्स हैं जो क्या है फैले हुए हैं, स्कैटर्ड हैं. और बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड्स पाए जाते हैं, एक ही श्रृंखला यानी एक लाइन से बनी हुई है, एक श्रृंखला सी बनी देखिए यहाँ पे. और इसके भी के अपर पार्ट्स को अंडमान कहा जाता है और नीचे वाले पार्ट्स को निकोबार कहा जाता है. तो लेट्स स्टार्ट. अंडमान एंड निकोबार दे आर एंग्लोटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. एंड दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमेरस एंड स्कैटर्ड. एंड दे डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, अंडमान इन नॉर्थ एंड निकोबार इन साउथ. जो आपका अंडमान निकोबार है ना उसमें भी बहुत सारे आइलैंड्स की क्या है चेन है. एक है आपके इसमें वर्टिकल रूप से क्या आइलैंड्स क्या फैले हुए हैं जो कहाँ हैं आपके बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड हैं. और आपने देखा था आपके मैप में भी देखा था कि ये जो है एक लाइन एक सीरीज बनी हुई है, एक
चेन में क्या है, अंडमान निकोबार के बहुत सारे क्या हैं, आइलैंड्स हैं जो आपके नॉर्थ से साउथ तक के एक्सटेंड है। और अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं उनके साइज भी क्या होता है, वाइडर होता है, यानी कि बिगर इन साइज, साइज बड़े हैं। लक्षद्वीप आइलैंड से इनके आइलैंड्स बड़े होते हैं और ये काफ़ी देर दूर तक क्या है फैले हुए हैं। और अंडमान निकोबार में जो आइलैंड्स हैं वो भी क्या हैं, ज़्यादा हैं। और इसमें अंडमान निकोबार्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी जो उसका नॉर्दर्न पार्ट है यानी अपर पार्ट को यहाँ पे अंडमान कहा जाता है, और जो उसका बिलो पार्ट है यानी कि सर्दर्न पार्ट को निकोबार कहा जाता है। और ये आपके वेस्ट, आपके ईस्ट में सिचुएटेड है, बे ऑफ बंगाल में। इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड थिक फॉरेस्ट, and they are located on a submerged or submarine hill range are probably formed by volcanic eruption. And the student, equatorial climate, एक तो ये जो बिल्कुल क्या है इक्वेटर के बिल्कुल क्या है नियर अबाउट है। यहाँ पे देखिए आपने था ना कि हमारा जो latitude extent था 8.4 था, 8 degree पे था, तो हमारे ये बिल्कुल क्या इक्वेटर के नज़दीक है। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है इक्वेटोरियल रहता है, ना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होना ही ज़्यादा सर्दी, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पे क्या है थिक फॉरेस्ट है, यानी थिक यहाँ पे बहुत सारे क्या है फॉरेस्ट हैं, थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है अरेबियन सी, जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, वहाँ पे बहुत सारे हिल रेंजेस हैं, हिल रेंजेस भी पाई जाती हैं, जो समुद्र के अंदर ही क्या हुई है सबमरीन, यानी कि समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर ही हैं। हिल रेंजेस बहुत सारी पाई जाती हैं एंड आर प्रोबली दे आर फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक यानी कि जब जमीन के अंदर प्लेट्स की मूवमेंट होने की वजह से वॉल्केनिक का बाहर आता है, उससे जो माउंटेन्स बनते हैं। तो यहाँ भी अंडमान निकोबार में बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं देखने को मिलते हैं, तो अंडमान निकोबार में भी बहुत सारे क्या हैं हिल रेंजेस पाई जाती हैं। और अंडमान निकोबार के टू पार्ट्स हैं, अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ इक्वेटर क्लाइमेट है, थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है आइलैंड्स हैं वो उनके साइज भी बड़ा है और वहाँ पे क्वांटिटी भी उनकी क्या है ज़्यादा है। कोरल्स, कोरल्स क्या होते हैं बेटा, सच आइलैंड्स आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ स्केल्टन इन माइक्रोस्कोपिक स्पेसेस कॉल्ड पॉलिप्स ऑन द सी बेड एंड दे फ्लोरिश इन शेलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। स्टूडेंट आपने देखा होगा जो समुंदर है, समुंदर के अंदर काफ़ी सारे क्या होते हैं आपके, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे होते हैं। वो क्या कॉलोनीज में रहते हैं, यानी कि वो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो उनकी उनके डिपोजिशन से, उनके क्या स्केल्टन से, या वो छोटे जो जीव होते हैं उनके स्केल्टन से क्या होती हैं आइलैंड्स बनते हैं, जमीन के अंदर से जो होते हैं उनको कहता है पॉलिप्स कहा जाता है। जो छोटे जो जीव्स हैं उनको क्या होता है पॉलिप्स कहा जाता है। और जो ये पॉलिप्स हैं ये क्या होते हैं शेलो, यानी कि गहराई में, समुंदर के बहुत ज़्यादा क्या है डेप्थ में ही होते हैं, जहाँ पे मड फ्री वाटर यानी कि वहाँ पे वार्म वाटर होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये जो पानी होता है रेतीला पानी या क्या होता है वार्म वाटर, गर्म पानी में ये क्या होते हैं कोरल्स होते हैं। और दे सीक्रेट्स कैल्शियम कार्बोनेट, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं छोड़ते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट और बहुत सारे ये होने की वजह से बहुत सारे जो जीव हैं छोटे छोटे जीव अपने साथ कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी सालों से वहाँ पे एक जगह क्या होता है इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बन जाते हैं एक टीले बन जाते हैं, आइलैंड्स बन जाते हैं। उन आइलैंड्स को क्या कहा जाता है, उनके स्केल्टन जो इकट्ठे हो जाते हैं उनको बोलते हैं रीफ, यानी कि टीला सा बन जाता है रीफ। एंड कोरल रीफ यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए गए एक टीले को क्या कहा जाता है आइलैंड्स कहा जाता है। यानी समुद्र के अंदर भी क्या होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उनकी जो बॉडी होती है और वो जो जहाँ पे बहुत सारे वो इकट्ठे होते हैं वो अपने अपने साथ क्या छोड़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट भी बहुत ज़्यादा क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे वो भी जब इकट्ठा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा क्या टाइट हो जाता है, टाइट होने के बाद वो क्या हो जाता है एक आइलैंड्स का नाम उन्हें रख दिया। तो जो ये है रीफ का मतलब एक टीला बन जाता है, और टीला जो है वो फिर बाद में क्या है आइलैंड्स का, आइलैंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे जो आपके हैं ग्रेट रीफ हैं जो 3 types के क्या हैं पाए जाते हैं रीफ, जैसे कि बैरियर रीफ, फ्रिंगिंग रीफ एंड एटॉल्स। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया इज़ ए गुड एग्जाम्पल, कोराल रीफ का जो एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं पाए जाते हैं। एंड एटॉल्स, और जो इनकी जो शेप होती है वो अलग अलग शेप्स की होती हैं, सर्कुलर
जो कोरल रीफ्स हैं यानी कि जो आइलैंड्स बने हुए हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, ये ज़्यादातर सर्कुलर या हॉर्स शो शेप्ड के भी होते हैं, तो इनको कहा जाता है एटोल्स, यानी कि उनकी जो शेप है वो सर्कल भी होती है, अलग सी हॉर्स शू शेप्ड में भी होती है, तो उस वाले को हम कह जाते हैं एटोल्स। ओके, तो ये जो कोरल्स हैं ये क्या होते हैं, ये अंदर सी वाटर होता है, सी वाटर में क्या होते हैं छोटे छोटे जीव होते हैं, और जो ये बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने की वजह से ये अपने साथ क्या छोड़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है उसी को वहाँ पे फिर ये क्या बन जाते हैं, आइलैंड्स बन जाते हैं। और अमेरिका का जो रीफ ग्रेट बैरियर रीफ है वो उसी का क्या है, कोरल रीफ का ही क्या है, एग्जाम्पल है। एटोल्स क्या होता है, वो जो एटोल जो रीफ बने होते हैं यानी जो टीले बने होते हैं वो क्या है, एक वो एक सर्कल में बने होते हैं, उनकी शेप क्या सर्कुलर होती है, उसको बोलते हैं एटोल्स। दिस इज द कोरल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ physiographic reason, importance of physical division, and you know we have 6 major physical division, and the northern mountain provides us perennial rivers and they are the major sources of water and forest wealth. You know northern mountain provides us perennial river means throughout the year, flow throughout the year, and they also provide the water and the fertile soil etc. नॉर्दर्न माउंटेन में बेटा रिवर्स फ्लो करती हैं, और माउंटेन से हमें क्या मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं, और ये क्या हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो नॉर्दर्न माउंटेन है उसमें क्या होती हैं, पेरिनियल रिवर्स होती हैं जो 12 महीने बहती रहती हैं, जैसे कि इंडस है, गंगा है, ये जो आपकी रिवर्स हैं साथ ये क्या रहती हैं, 12 महीने बहती रहती हैं, और जिसकी वजह से क्या आता है नॉर्दर्न माउंटेन में हमेशा क्या मिलता है, पानी मिलता है, और इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट भी है। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन में आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन एक्ट एज अ ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे क्या होते हैं, फर्टाइल सॉइल होती हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वीट एंड क्रॉप का, जैसे वीट एंड राइस होते हैं, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स को क्या कहता है, ग्रीनरी ऑफ द कंट्री। एंड द पेनिनसुला प्लेटू इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, एंड हियर इज ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो फाउंड, एंड द ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो गुड फॉर कॉटन। ओके, तो पेनिनसुला प्लेटू इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। And coastal region and the island group provides sites for tourism and development of fisheries. Coastal region island है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, तो वहाँ पर tourism होता है, यानी बहुत सारे जो tourists हैं वहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, जैसे एक तो employment improve होता है, और हमारी foreign exchange भी, foreign income भी हमें होती है, और इसकी वजह से वहाँ fisheries यानी कि PC culture को भी बहुत ज़्यादा क्या है, development किया जा सकता है। And in India, there are 12 major ports of इंडिया विच आर यूज फॉर, अपने इंडिया में है 12 मेजर पोर्ट्स, यानी कि पोर्ट्स यानी कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं बाय सी रूट, बंदरगाह बोल देते हैं, जिसमें क्या है शिप से हम क्या मंगाते हैं सामान को, क्या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारी जो कंट्री में उसमें 12 मेजर पोर्ट्स हैं। एंड दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट्स, यानी कि जो फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल डिवीज़न की वजह से हमारे कंट्री को बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और इसकी वजह से हमें क्या होता है, फ्यूचर में हमारी क्या होती है, डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, और जब हमारे पास मिनरल्स होंगे, वाटर होगा, फॉरेस्ट होंगे, तो हमारे पास सोर्सेज भी ज़्यादा होंगे, रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे, और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी क्या कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है, तो हमें इनको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उनको कंजर्व करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, so student these are 6 major physical division of India, and here we see the map of India, and firstly we will talk about the Thar desert, and Thar desert is situated in Rajasthan. Okay, Indian desert situated in Rajasthan, and the northern part of the country is called Himalaya, and Himalaya have 3 ranges. And the student, firstly we do map work, and you know here is, you know, Mount Everest situated in Nepal, here is Mount Everest is the highest peak in the world, and here is Kanchenjunga is the highest peak in India. Okay, and Namcha Barwa here, Namcha Barwa situated in Brahmaputra,
अबाउ द पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र, हेयर इज नामचा बरवा एंड द K2 also situated in Jammu Kashmir, upper part या northern part of the Jammu Kashmir is called K2. Here is K2. Okay. इसके बाद आते हैं बेटा आपके ranges, mountain ranges. Upper part of the Himal, Jammu Kashmir is Karakoram. Here is Karakoram. Karakoram ranges. Here is Jaskar range. Here is Jaskar. And here is Ladakh range situated in Ladakh. And here is also Nanga Parvat, mountain peak. Here is Nanga Parvat. Okay. And here is Shivalik range. And Peer Panjal, here is middle part of the Himalaya is called Peer Panjal. Here is Peer Panjal. तो स्टूडेंट ये जो आपके हैं, आपके यहाँ पे आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो बेटा यहाँ नेपाल में इधर सिचुएटेड है, और आपका जो कंचनजंगा है वो बेटा यहाँ पे सिक्किम के पास आपका यहाँ पे कंचनजंगा सिचुएटेड है, और नामचा बारवा आपका यहाँ ब्रह्मपुत्र से अपर वाले पार्ट पे आपका है नामचा बारवा. तो उसके बाद है बेटा आपका यहाँ पे है आपका जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया कवर किया जाता है, ये वाला जो पार्ट है आपका पंजाब प्लेन, ये क्योंकि इसका यहाँ पे इंडस रिवर, इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, और उसके द्वारा यहाँ पे कवर किया जाता है. ये पंजाब प्लेन है. गंगा प्लेन, यहाँ पे गंगा रिवर उत्तराखंड से क्या करती है, ओरिजन होती है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में होती है, वेस्ट ये आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज हो जाती है. तो इस वाले पार्ट को कहा जाता है गंगा प्लेन, और इस वाले पार्ट को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन. उसके बाद आता है बेटा डेजर्ट. आपने पढ़ लिया कि डेजर्ट आपका राजस्थान में है, अरावली के वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट सिचुएटेड है. उसके बाद आता है बेटा आपका ये सेंट्रल पार्ट, ये है पेनिनसुला प्लेटू. पेनिनसुला प्लेटू यहाँ देखिए बेटा नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश में से ओरिजिन होती है नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर से अपर जो वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और जो सेंट्रल हाईलैंड है वो आपका छोटा नागपुर, यानी छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है. ये मैप वर्क है आपका, छोटा नागपुर आपका छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है, तो यहाँ तक इसका सेंट्रल हाईलैंड का क्या एक्सटेंड है. तो यहाँ पे जो सेंट्रल हाईलैंड है वो जहाँ तक किससे बना हुआ, मालवा प्लेटू से. किससे बना हुआ है, मालवा प्लेटू. यहाँ देखिए विंध्या रेंज से अपव जो पार्ट है मालवा प्लेटू है, और जो विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में नर्मदा रिवर है, और सतपुड़ा रेंज के नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका डेक्कन प्लेटू है. ये वाला जो पार्ट है डेक्कन प्लेटू है, और डेक्कन प्लेटू भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट. ओके और यहाँ जो आपका कोस्टल प्लेन एरिया गुजरात से लेके केरला तक ये क्या है, आपका वेस्ट कोस्टल प्लेन है. और यहाँ पे भी वेस्ट कोस्टल में को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, मुंबई टू गोवा इज कॉल्ड कोंकण, एंड गोवा एंड कर्नाटक वाला जो पार्ट उसको कहता है कन्नड़, एंड नीचे जो केरल वाला पार्ट उसको होता है मालाबार कोस्ट. यहाँ बेटा आपकी अनाईमुडी है जो आपकी हाइएस्ट पीक है आपकी वेस्टर्न घाट में, और आपकी जो यहाँ महेंद्रगिरी है, और उसके बाद आपकी यहाँ पे जो है ये वाला जो है अनाईमुडी है, और यहाँ आपकी जो हाईएस्ट ईस्टर्न पीक है, ईस्टर्न पीक महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की जो यहाँ पे महेंद्रगिरी. उसके बाद है जो आपका ये वाला जो है वेस्टर्न घाट जो है, ये वाला वेस्टर्न घाट ये क्या है कॉन्टीन्यूज, और ईस्टर्न घाट क्या है डिसकॉन्टीन्यूज है. और इसके अलावा जो आपका प्लेटू है, प्लेटू कुछ पार्ट्स आपका यहाँ भी नज़र आता है, जैसे कि मेघालय में इधर गारो, खासियन, जयंतिया. ओके उसके अलावा है यहाँ पे डेक्कन प्लेटू है, यहाँ वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट है, अनाईमुडी है, और यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है ये क्या है नीलगिरीज हिल्स है जो वेस्टर्न घाट और यहाँ पे क्या करते हैं आपस में मिलते हैं. ओके स्टूडेंट और इसके अलावा ओके एंड द कोस्टल प्लेन एरिया इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड टू आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड इन अरेबियन सी एंड अंडमान निकोबार सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल. ओके स्टूडेंट एंड योर होमवर्क सॉल्यूशन इज विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द डेक्कन प्लेटू एंड आंसर इज अनाईमुडी. And total area is 2,695 meter. And second question, describe the feature of Peninsula Plateau. Answer is, the Peninsula Plateau is a table land and is composed of the old crystalline igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land, and it has broad and shallow valley and rounded valley. Fort is consist of two broad revision, Central Highlands and Deccan Plateau. Question number third, what are the two divisions of Peninsula Plateau? Answer is the Central Highlands and the Deccan Plateau.
वाई इज द ब्लैक सोइल एरिया इन द पेनिनसुलर पार्ट कॉल्ड डेक्कन ट्रैप? द ब्लैक सोइल एरिया इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन इज नोन एज डेक्कन ट्रैप. दिस इज फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी, सो द रॉक्स आर इग्नियस एंड दीज रॉक्स हैव बीन डिन्यूड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल. And fourth, Aravalli Hills lie on the western and the northwestern margin of the Peninsula Plateau. Fifth, these are highly eroded hills and are found as the broken hills. Question number 5, differences between Central Highland and the Deccan Plateau. Answer is, the Central Highlands are wider in the west but narrow in the west. And the river it drains this region are the Chambal, Sindh and Betwa and the Kane. And the third, the hill lying in this region are the Vindhya region and the Aravalli Hills. And Deccan Plateau, the Deccan Plateau is a triangular landmass and the river draining this region are the Tapi, Krishna, Godavari and Kaveri. And third, the hills lying in this region are the Mahadev, Kemur and the Mekal. Question number 6, what is the average elevation of Western Ghat? And their average elevation is 900 to 1600 meter. Okay student, and all question done in your fair notebook. And to do your homework, these are the exercise question, and the first question is choose the right answer from the given option. First, a landmass bounded by sea on three sides is referred to as coast, peninsula, island, none of the above. And third, second question, mountain ranges in the eastern part of the India forming by its boundary with Myanmar are collectively called Himachal, Purvanchal, Uttarakhand, and none of the above. Third, the western coastal plain strip south of Goa is referred to as Coromandel, Kannad, Konkan, Northern Sirkar. Fourth, the highest peak in the eastern Ghat is Anaimudi, Kanchenjunga, Mahendragiri, and Khasi. Question number second, answer the following question in briefly. First, what are tectonic plates? Which continent of today were part of the Gondwana land? What is Babar? Name the three major divisions of Himalaya from north to south. And fifth, which plateau lies between the Aravalli and Vindhya ranges? And question six, name the island group of India having coral origin. Question third, differences between converging and diverging tectonic plates. B, Bangar and Khadar. C, Western and Eastern Ghat. Question number four, describe how the Himalayas were formed. Question number 5, which are the major physiographic division of India and contrast the relief of the Himalaya region with that of the Peninsula Plateau. Question number 6, give an account of Northern Plains of India, means the formation of Northern Plains of India. And question number 7, write short note on the following, the Indian Desert, the Central Highland and the Island Group of India. And all questions student done in your fair note. Thank you.